खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले एक युवक ने मुंबई में जाकर एक युवती से शादी रचा ली और फिर उसे छोड़कर वापस घर आ गया। यहां अपनी पहली पत्नी के साथ रहने लगा। जब दूसरी पत्नी को धोखे का शक हुआ तो उसे मुंबई से ढूंढते ढूंढते प्रतापगढ़ आ गई और पति की घर की चौखट पर बैठ गई। जबकि पहली पत्नी ने दरवाजा बंद कर लिया, दूसरी पत्नी ने पुलिस से इंसाफ करने की गुहार लगाई है। वहीं इसी घटना को लेकर क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। बता दें कि कुंडा कोतवाली क्षेत्र के मजिला गांव के रहने वाले युवक की शादी हो चुकी थी। रोजी रोटी के चक्कर में वह मुंबई गया था। यहां उसकी मुलाकात एक युवती से हुई और फिर दोनों ने शादी कर ली। आरोप है कि युवक ने युवती को ये नहीं बताया कि वो पहले से ही शादीशुदा है। शादी के बाद दोनों कुछ दिनों तक साथ रहे। इसके बाद युवक प्रतापगढ़ आ गया। काफी दिन गुजरने के बावजूद वापस नहीं लौटा तो पत्नी ढूंढते ढूंढते प्रतापगढ़ पहुँच गई। पत्रकार नितिन नामदेव जो वकील थे वो सब है, उन्होंने मुझ पे दबाव बना दिया कि तुम मुंबई चले जाओ, उसने तुम्हारे साथ जो भी किया भूल जाओ, मुंबई जाकर दूसरी शादी करो, ऐसी बात बोल दी थी मुझे। मुझे बोल रहे हैं कि आप चली जाइए मुंबई, आपका यहाँ कुछ नहीं होने वाला, अगर आप यहाँ ज़्यादा देर रुकी तो फिर हम आप ही के नाम की बदनामी करवाएंगे। आपको किसने धमकी दी थी? पत्रकार नितिन नामदेव। नितिन नामदेव कहाँ के निवासी हैं? ये पूर्वा में रहते हैं। वो भी उन्होंने ही मुझे कहा है कि आपकी भी बदनामी करवाएंगे कि आप यहाँ आके दूसरे की इज्जत पे लांछन लगा रही है। उन्होंने आपको धमकी दिया है। यूपी सिटी न्यूज़, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।